दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, वहां पर प्रे करते हैं, बहुत सारे लोग जो बौद्धिस्ट टेम्पल है जिसे हम गोम्पा कहते हैं वहां पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके। लेकिन सबसे अच्छा काम जो होता है वो जीवन में किसी की मदद करना होता है, और मदद ऐसे इंसान की जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो, जो कि रो रहा हो, जो कि चीख रहा हो और जिसके पास कोई उपाय ना हो, ऐसे लोगों की मदद करना भगवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके लिए आप मंदिर ना जाओ, आप चर्च ना जाओ, आप गोम्पा में ना जाओ, भाई आप किसी गुरुद्वारा में ना जाओ तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे तकलीफ में जो लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास एक मदद की रिक्वेस्ट आई है जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। देखिए, एक बेटा, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, मां बाप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस बच्चे को जो कि बहुत ही छोटा है, अगर वो तकलीफ में हो, उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो मां बाप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बच्चे के बारे में बताऊंगा, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए, और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप उस बारे में समझ सके कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं उस बच्चे के बारे में और उसे क्या तकलीफ है, हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, और वो खोंसा अरुणाचल प्रदेश से है। अगर उसके विलेज की आप बात करोगे तो दादुम नाम का विलेज है और तिराप डिस्ट्रिक्ट का वो रहने वाला है, और उसके पिताजी का नाम जो है तिमात नोगबी है, और जो मम्मी है उनका नाम है दातिया नोगबी, और जो बच्चा है उसका नाम, जैसा कि मैंने आपको बोला, तिनियाम नोक भी है। और ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। तकलीफ में कैसे है मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो बच्चा है इसको बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, जिसे हम IBMF एस के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ है। इस बच्चे को चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इसका ट्रीटमेंट अगर ना किया जाए तो इसकी जिंदगी को खतरा है, ये मर सकता है। और सोचिए, एक बच्चा जो मर रहा है, जिसकी जिंदगी जा रही है, क्या उसकी मदद हम नहीं कर सकते? क्या उसको जिंदगी दे करके हम पुण्य का काम नहीं कर सकते? पहले तो मैं आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बता दूं। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, वहां पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। हम जानते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के ट्राइब्स रहते हैं, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है बहुत ही ज्यादा यूनाइटेड रहता है। जब भी किसी एक स्टेट के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सारे स्टेट मिलजुल करके उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। तो अपने जो भाई हैं यहां पर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन भाइयों की मदद की जाए। देखिए, ऐसे में जैसे कि मैंने बोला कि जिंदगी में मंदिर में जाना, पूजा करना, चर्च में जाना, प्रे करना, गोम्पा में जाना, वहां पर प्रे करना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, ये सब करके हम पुण्य कमाने की कोशिश करते हैं, हम भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं। और भगवान जो ऊपर वाला है वो तब खुश होता है जब हम किसी इंसान की मदद करते हैं, दिल से करते हैं। तो इस बच्चे की हम सबको बहुत दिल से मदद करने की जरूरत है। और मदद करने के लिए क्या है, क्या करना है हमें? देखो भाई, इन्होंने ये फंड रेज कर रहे हैं, इनका जैसे कि मैंने आपको बोला IBMFS का जो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इस बच्चे को जो है ट्रीटमेंट के लिए अभी ये बेंगलोर में लेके गए हैं। बेंगलोर में मणिपाल हॉस्पिटल जो है वहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट के लिए जो कुल खर्चा है वो बताया गया है 30 लाख रुपीज। और जो फादर है इनके, फादर काफी ज्यादा गरीब है, और इनके पास वो ऑप्शन नहीं है कि वो 30 लाख कहीं से कलेक्ट कर पाए। तो क्या हम सारे लोग मिलकर के इस बच्चे की मदद कर सकते हैं? देखिए, छोटा छोटा, जैसे कि मैंने बोला, बूंद बूंद से सागर भरता है। और जो जैसे कि हम 100, 200, 1000, 500 जितना हम हेल्प कर सके, उतना अगर पैसा दे करके हम इनकी हेल्प कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। एक इंसान को, एक बच्चे की जान हम लोग बचा पाएंगे, और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। देखिए, हमने दान पुण्य बहुत किए होंगे, बहुत सारी जगहों पर हम ऐसा काम कर
करते हैं। साथ साथ भाई बहुत बार हम 100, 50, 200, 500, 1000 रुपए तो खा पी के उड़ा देते हैं। क्या उस पैसे को हम किसी बच्चे की जान बचाने के लिए दे नहीं सकते हैं क्या? क्या हम उस पैसे को किसी एक परफेक्ट जगह पर डोनेट नहीं कर सकते हैं क्या? तो गाइस ये जो डोनेट का कैंपेन चल रहा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बच्चे की जिंदगी को आपको बचाना है, हम सबको बचाना है। मैं अपना पार्ट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है, मैं जितना पे कर सकता हूं, जो कर सकता हूं वह मैं अपनी तरफ से डोनेट करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप भी डोनेट कीजिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं डोनेट तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचाइए जो कि इस बच्चे की मदद कर सके। देखिए इनके पास अब सिर्फ 44 डेज का टाइम बचा हुआ है जिसमें ये 30 लाख रुपीस ये कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी के टाइम तक इन्होंने सिर्फ 30,000 के करीब इनका कलेक्शन हुआ है। तो देखिए कहां 30 लाख कलेक्ट करना है और कहां में अभी 30-40,000 कलेक्ट हो रहे हैं। तो आप सब अपने तरफ से जितना हो सके इस बच्चे की मदद कीजिए, तिनियाम की मदद कीजिए, ताकि ये जो बच्चा है ये अपने माँ बाप के पास हंसता हुआ, खेलता हुआ, इधर उधर दौड़ता हुआ आ सके और इनके घर में जो खुशहाली है वो खुशहाली आ सके। तो गाइज आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज हेल्प के लिए आगे आइए, क्योंकि एक बच्चे को जिंदगी देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी का जान लेना एक छोटी सी बात होती है, लेकिन किसी की जिंदगी को बचाना वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आपको खुशी मिले, आप देखना जब आप उसकी हेल्प करोगे और वो बच्चा ठीक होकर के आएगा ना, तो आपके दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। और इस सुकून को अगर आप पाना चाहते हो, उस खुशी को अगर आप पाना चाहते हो, तो प्लीज मैं सारे नॉर्थ ईस्टर्न भाई बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्टर्न भाई बहन जो है ना वो हमेशा यूनाइट होते होकर रहते हैं, एक दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं। तो क्या इस मामले में हम नागालैंड से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, हर जगह से क्या हम मदद दे सकते हैं इस छोटे से बच्चे को? मेरे हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल हम मदद कर सकते हैं। अगर हम मिल जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, अगर हम पूरे लोग मिल जाए और इस बच्चे की मदद करें, तो शायद 30 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो छोटा पड़ जाएगा। 30 लाख से बहुत ज्यादा कलेक्शन 44 डेज के अंदर में हो सकता है गाइस। तो प्लीज हेल्प कीजिए इस बच्चे की, इस बच्चे की जिंदगी को बचाइए गाइस। तो यही बताने के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि देखो भाई, मेरा रिलेशन कुछ भी नहीं है इस बच्चे से, बस इंसानियत के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों तक उसकी आवाज पहुंचा सकूं और आप लोग अपने जिंदगी में कुछ पुण्य कमा सके इस बच्चे की हेल्प करके दोस्तों। तो अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।